अलग अलग जगहों पर पूरे देश में आपने अलग अलग विरोध करने के तरीके देखे होंगे, विरोध करने का प्रदर्शन आपने अनोखा देखा होगा, लेकिन आगरा के नगला कली में एक ऐसा अनोखा विरोध प्रदर्शन का तरीका देखिए। ये श्री भगवान जी हैं और इनके वाइफ के साथ अपनी 17वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। अब ये देखिए मना कहाँ रहे हैं, ये देखिए पहले ये नाला है, पीछे रोड है, पानी निकासी के लिए कोई भी यहाँ जगह नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, और यही वजह है कि इन्होंने अपनी 17वीं एनिवर्सरी इस नाले के बीच मनाने की सोची। इनके साथ ही सारे जो कॉलोनी वासी हैं वो भी हैं। श्री भगवान जी से बात करते हैं, बड़ा यूनिक आइडिया आ गया आपको, कहाँ से ये नाले के पास एनिवर्सरी मनाने की सोची आपने? देखिए, विचार जब तक परेशानी नहीं होती तब तक आविष्कार नहीं होता ना, या आविष्कार भी आवश्यकता से ही निकलता है। तो जब हम डेली ये परेशानियां सहते हैं तो फिर हमें विचार आया कि इस रोड का, इस जगह का कोई यूज रह नहीं गया है, लोग यहाँ से बच्चे निकलते नहीं हैं, तो फिर हम यहाँ पे शादी की सालगिरह मनाते हैं, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। नाला है, गंदगी पीछे पूरा भरा पड़ा है। देखिए, इस नाले में आज शायद आप पहली बार आए, हम इसी नाले में ही रहते हैं, रोज निकलते हैं, बच्चे इसी नाले में गिरते हैं, बसें आती नहीं है, हमें छोड़ने जाना पड़ता है, महिलाएं चोटिल होती है इसी रास्ते से, तो समस्या है। ये समस्या वैसे तो पिछले 15 साल से है, लेकिन पिछले 2-3 साल से तो विकराल हो गए हैं। विधायक कौन है यहाँ? माननीय बेबी रानी मौर्य है जो यहाँ से विधायक है। कभी आई यहाँ पर देखने के लिए कि किस हालात में आप लोग? हालात देखने तो नहीं आई, लेकिन जब चुनाव जीती तो हमने उनका स्वागत जरूर नगला कली में बुलाया था, तो हम लोगों ने कॉलोनी वासियों और गांव वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया था। उनके देख रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं आप, नगला कली रजरी सैमरी। देखिए, हमने विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था, लेकिन उस समय कई माननीयों ने आकर के हमें आश्वासन दिया कि आप बैनर उतारिए, वोट दीजिए और आपकी जो भी समस्या है, जो भी समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी। तो चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम दिल से चाहते हैं और हमेशा जब से हमारा वोट बना है हमेशा हमने वोट दिया है। क्या डिमांड रखते हैं कि ये सब करने के पीछे ये हमारी डिमांड है? कोई डिमांड देखिए बड़ी नहीं है, हम लोग सभी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमें फ्री में बिजली नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें फ्री चिकित्सा नहीं चाहिए, हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, केवल मूलभूत सुविधाएं, हम लोग जो टैक्स देते हैं केवल वही हमारा पैसा रोड और नाले में लगा दें, जो कूड़े का निस्तारण है, जो कुछ हमारी कॉलोनियों में अभी एक टंकी। मैडम, पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि एक कपल की एक उम्मीद होती है कि अच्छी डेस्टिनेशन पर जाके अपनी वो जो शादी की सालगिरह मनाई जाए, लेकिन आप नाले के बीच में मना रही है, गंदेदार बदबूदार पानी के बीच। हाँ, इसका भी यही कारण है, क्योंकि खुशहाली तो तभी मिलेगी ना जब माहौल अच्छा होगा, माहौल हमारा अच्छा हो जाएगा तो खुशहाली अपने आप चल के आ जाएगी अपने पास। हाँ जी जी, वोट हम तभी देंगे जब नाला और रोड बने और जनहाल खुश हो सब लोग, तभी अच्छा लगेगा हमें भी, तभी हम और खुश और अच्छे तरीके से मना पाएंगे। काश ये वाला रोड बनी भी होती, सीवर भी होता, नाला भी होता, तो भी ये माहौल हमारा बहुत खुशनुमा हो जाता। आप भी कुछ बता दीजिए भाई साहब, आप कॉलोनी वासी हैं, आप भी कुछ बता दीजिए। आप आइए बताइए क्या कहेंगे आपके सहयोगी सभी लोगों ने यहाँ गजब जगह ये लगभग एडीए विकसित यहाँ पर 10-15 कॉलोनियां हैं नगला कली रजरई, और पिछले बार जब लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव आया था तो चुनाव बहिष्कार का बोर्ड हर कॉलोनी में लगाया गया था, लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि आप इस बार अब बहिष्कार का आप हटाइए बोर्ड। आबादी लगभग 15,000 से 20,000 के करीब आबादी होगी। विधायक हैं बेबी रानी मौर्य जी माननीय, और वो भारत उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। हम लोगों ने उनको पास सारी रोड की समस्या के लिए टंकियां जो गिर रही हैं, कंडम क्वालिटी की टंकियां एडीए द्वारा बनाई जा रही है, ओम श्री फेज 2 है, यहाँ पर टंकी एक भरभरा के गिर गई, लेकिन हम लोगों ने एडीए को चिट्ठी लिखवाई उनकी मंत्री जी की, 15 साल से उनकी मंत्री जी की कोई बात ही नहीं सुनता। यहाँ पे आए हमने तो यहाँ पे देख के उस समय क्या कहना, मायावती सरकार थी और उस समय यहाँ पे एक रोड का डबल। क्या क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कम से कम यहाँ पे एक तो निकलने का रास्ता बन जाए, रोड कह सकते हैं आप। दूसरा आप सर, आपने 4 तारीख को यहाँ पे कंप्लेंट डाली थी मुख्यमंत्री पोर्टल पे, 4 तारीख को डाली, उसके बाद 27 सितंबर 28 तारीख को भी डाली थी मैंने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसमें केवल एक्नॉलेजमेंट आई हुई है, मेरे पास मोबाइल के अंदर अभी भी अवेलेबल है। हम रोड चाहते हैं, सीवर की लाइन चाहते हैं, इतनी गंदगी में कैसे निकले, बच्चे कैसे जाएं स्कूल। देखिए, ये नगला कली के सभी स्थानीय निवासी हैं और सबसे यूनिक ये है कि विरोध करने का इनका तरीका देखिए, इनके कपल ने यहाँ शादी की 17वीं सालगिरह मनाई है, डिमांड बस यही है उन्हें सीवर का जो पानी है, ये नाले का गंदा पानी है, उसे निकालने के लिए उचित स्थान मिले।
और जो जनता की वोट की चोट पर संसद पहुंचे, विधानसभा पहुंचे, नेताओं से भी अपील है कि भाई अगली बार जब वोट लेने आए तो इन हालातों से गुजरते हुए आए। यहाँ की जो विधायिका है वो बेबी रानी मौर्य है और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, लेकिन समस्या जस की तस, उनके कानों तक अभी कोई भी जू नहीं रहेंगी है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।